नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। पूर्व मंत्री के मृतक की नोक संवेदना प्रयागराज 14 फरवरी। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वर्तमान में शहर पश्चिम के विधायक परम आदरणीय सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अजय कुमार हेला के आवास 45/1 करबला पहुंचकर उनकी माताजी के देहांत पर, जिनका 24 फरवरी को स्वर्गवास हुआ था। प्रयागराज से 5 की रिपोर्ट। वाले दिन नहीं आए जिस दिन मिट्टी नहीं नेता से क्यों हमको बुरा नहीं लगे यार, हम उनके लिए रात दिन काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एक साल के अंदर 4.5 महीने हो गए, 2 लोगों का लगातार आकस्मिक निधन। एक हमारे बड़े भाई का देहांत 14 सितंबर 2022 को हुआ, और फिर हमारी माता जी का आकस्मिक निधन 24 जनवरी को हुआ, और उसी के उपरांत आज हम लोगों के क्षेत्र के विधायक पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, हम लोगों के नेता आदरणीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हमारे इस शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए आए, पूरे परिवार से। हमारा उनका हमारा बहुत ही पारिवारिक संबंध रहा है, हमारे सारे साथी हैं हमारे बीच, हमारे हम लोगों के नेता भाई। लगातार तीसरी जो एक घटना एक क्षति हमारी हुई वो हम लोगों के नेता रहे, गरीब दलितों और पिछड़ों के स्वर्गीय विक्रमाजीत मौर्य जी, उनका भी निधन हुआ था। आज उनके बेटे भी हमारे परिवार के एक अभिन्न सदस्य हैं, भतीजे के रूप में हैं। और हमारे बीच स्वर्गीय अजय पासी जी के बेटे अंकित पासी जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी भाई दिनेश जी, भाई दिलीप जी, हमारा पूरा परिवार, सारे लोग निरंतर 24 जनवरी से हमारे परिवार के बीच हमारे इस दुख की घड़ी में बने हैं। और इसी कड़ी में आज वो माननीय मंत्री जी आए थे, हमारे जितने भी शुभचिंतक है सब हमारे बीच में। लगातार हम लोगों की ये मेरे लिए तीसरी बड़ी घटना है, क्योंकि मैं अपने नेता विक्रमाजीत मौर्य जी का, मेरे गुरु भी थे नेता भी थे, उनका आकस्मिक निधन, बड़े भाई का निधन, फिर मेरी माता जी का निधन, इससे बहुत आघात हुआ है। और
मैं अपने लोगों के आभार और उनका मैं इस दुख की घड़ी में मेरी हिम्मत को साथ देने का आभार। मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे में महानगर का उपाध्यक्ष एडवोकेट अजय हिल्ला प्रयागराज।